जहाँ पर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, उसी धरती पर है एक ऐसा धर्म जो हिंदुओं से मिलता जुलता है। आखिर कौन है ये लोग जो मोर पंखों की पूजा करते हैं, जिनकी रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं, जहाँ की दीवारों पर बने हैं दक्षिण भारतीय महिलाओं से मेल खाती महिलाओं के चित्र जो साड़ी पहने हुए हैं, जहाँ सूर्य को अत्यंत महत्व दिया जाता है, जो हिंदुओं की ही तरह मुंडन, निराहार व्रत, मंदिर जैसे व विवाह जैसी परंपराएं मनाते हैं, जो इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। विवाह संस्कार के समय वहाँ स्त्रियाँ लाल जोड़ा पहनती हैं और मंदिर में जाती हैं। यहाँ दीपों का त्योहार भी मनाया जाता है और लोग उपवास भी रखते हैं। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। मेरा नाम है पूजा चौधरी और इस चैनल पर आपको देश, दुनिया, इतिहास, सनातन धर्म व आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक व रोचक वीडियो की शुरुआत करते हैं। अरब देशों में जहां इस्लाम की उत्पत्ति हुई, वहीं पर एक पुराना धर्म है यजीदी। तमाम थपेड़ों के बाद भी इस धर्म ने खुद को बचाया हुआ है। इस धर्म की तमाम परंपराएं, रीति रिवाज और विश्वास हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। अरब देश की धरती पर फल फूल रहे इस धर्म को कुछ समय पहले तक इस्लामिक स्टेट ने खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यजीदी लोग मोर पंख की पूजा करते हैं। यजीदियों की धार्मिक किताबों के अनुसार यजदान के 7 अवतार हैं, जिनमें मयूर देवता हैं, जिन्हें मलक ताउस कहा जाता है। मयूर देवता को बाकी सभी अवतारों से तुलना में ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। यजीदी ईश्वर को इतना पवित्र मानते हैं, सीधे तौर पर उनकी पूजा तक नहीं करते। उनके अनुसार यजदान पूरे मानव सृष्टि का रचयिता है, लेकिन सृष्टि की देखभाल वो नहीं करते, बल्कि ये काम उनके अवतारों के द्वारा किए जाते हैं, जिनमें मोर देवता प्रमुख हैं। यजीदी मोर देवता के साथ साथ उनके मोर पंख की भी पूजा करते हैं। इस देवता को भारत में 2 भगवानों से जोड़कर देखा जाता है, भगवान श्री कृष्ण और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता मुर्गन। अगला वर्णन देखते हैं। इस चौंकाने वाली तस्वीर में यजीदियों के सबसे पवित्र स्थल लालिश की भीतरी दीवार पर एक महिला दीपक जला रही है। ये पेंटिंग है जो यजीदियों में सबसे पवित्र मंदिर की दीवार पर बनवाई गई है। पेंटिंग में दीपक से ज्यादा खास है उस महिला का भारतीय परिधान। ये महिला किसी दक्षिण भारतीय महिला से मिलती जुलती है। उसकी साड़ी हरे रंग की है, ब्लाउज नारंगी। ये सभी तस्वीरें जब सामने आई तो दावा किया जाने लगा कि यजीदी हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। इसके बाद यजीदी महिलाओं की दूसरी तस्वीर भी 4 साल पहले खूब वायरल हुई, जिसमें उन्हें दीपावली मनाते देखा गया था। यजीदियों में जल का भी काफी महत्व है, बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह। धार्मिक परंपराओं में जल से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। यजीदी भी हिंदुओं की तरह ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यजीदी दिन में 5 बार ईश्वर की प्रार्थना अर्चना करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त में वो सूर्य की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के तुरंत बाद वो दीपक व आरती भी करते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति वो कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नर्क जाने की पद्धति को भी मानते हैं। यजीदियों में धार्मिक मेलों और उत्सव मनाने की भी परंपरा है। यजीदी मंदिर में ईश्वर के अवतारों की तस्वीर के सामने उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मृत्यु के उपरांत मृतक की समाधि बनाने की परंपरा है। यजीदियों की धार्मिक भाषा कुरमांजी है। वो प्राचीन ईरानी भाषा की एक शाखा है। पृथ्वी, जल व अग्नि में थूकने को वो पाप कर्म समझते हैं। यजीदी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। यजीदी के लिए धर्म निकाला सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, वे ऐसा मानते हैं। इनकी मौजूदा आबादी वहाँ पर लगभग 5 लाख है। ISIS के आतंक के शिकार हो रहे यजीदी समुदाय के लोग लगातार सीरिया और इराक से पलायन कर रहे हैं। इस्लामिक देशों के द्वारा पिछले दशक में हुए नरसंहारों की वजह से यजीदियों की आबादी में काफी गिरावट आई है। हिंदू धर्म की ही भांति यजीदियों का भी मानना है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।
इसीलिए यजीदी पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास रखते हैं। यजीदी धर्म को मुख्य रूप से 12वीं सदी में स्थापित किया गया। अदि इब्न मुसा फिरने ने इसे स्थापित किया था, एक धार्मिक नियम कायदे बनाए और वो इनके धार्मिक गुरु भी थे। सनातन धर्म की ही तरह पुजारी के हाथों से जल छिड़क कर बच्चों का धार्मिक संस्कार बपतिस्मा करते हैं। ये संस्कार बिल्कुल मुंडन संस्कार जैसा ही होता है। विवाह के दौरान यजीदी धर्म में रोटी को दो टुकड़ों में बांटकर पति पत्नी को खिलाया जाता है। दिसंबर माह में यजीदियों का दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग 3 दिन तक उपवास रखते हैं। यजीदी लोग किसी भी पैगंबर में विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। हिंदुओं की तरह वे प्रकृति के उपासक हैं। बहुत सारे कर्मकांड बिल्कुल आदिम काल से पुरातन धर्मों की तरह ही उनमें भी संपन्न किए जाते हैं, जो आज तक सनातन में हैं। यजीदियों में मंदिर में दीपक जलाने और हवन कुंड के रूप में अग्नि पूजा करने का रिवाज हिंदू धर्म के जैसा ही है। मोसुल के उत्तर में बसे शहर लालेश में यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मौजूद है, जहां उनके सबसे बड़े धार्मिक गुरु आदि की समाधि है। इसी समाधि पर एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर नदी के ठीक बगल में स्थित है। हर साल 15 से 20 सितंबर के बीच यहाँ यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में यजीदी इकट्ठे होकर नदी में पहले स्नान करते हैं, फिर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। यजीदियों के कर्मकांड रीति रिवाज परंपराओं और विश्वासों से इतना तो सिद्ध होता है कि अरब देशों में पहले हिंदू धर्म ही व्याप्त था। बाद में जैसे जैसे यहाँ पर इस्लाम का प्रभाव बढ़ता रहा, वैसे वैसे यहाँ पर इस्लाम की स्थापना होती चली गई। परंतु इन लोगों ने अपने वजूद को छुपाकर बचाकर रखा है आज, जो कि बिल्कुल हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।